मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वॉज गिवन बाय मोलिकन एन हुड पहला फीचर क्या है इसका कि अटोमिक ऑर्बिटल्स कम्बाइन करते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड एज मॉलिकुलर ओर्बिटल्स एटोमिक ऑर्बिटल्स तभी कम्बाइन करेंगे जब उनकी एनर्जी और उनकी सीमेट्री बराबर होगी या फिर लगभग बराबर होगी नंबर ऑफ कम्बाइनिंग एटोमिक ऑर्बिटल्स विल ऑलवेज भी इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड मॉनिकुलर ऑर्बिटल इसका क्या मतलब है कि जितने ऑर्बिटल्स करेंगे उतने ही नए मॉनिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे इसका मतलब क्या है कि अगर दो अटोमल कंबाइन करेंगे तो दो ही ऑर्बिटल फॉर्म होंगे अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो तीन मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे अगर एवोगेंड्रोस नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो एवोगेंड्रॉस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे नाउ मोलिक्लो ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक इन नेचर पॉलीसेंट्रिक इन नेचर का क्या मतलब है कि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल में हम क्या कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है और इसके जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन जब हम मॉलिकलो ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं जैसे कि हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो ये दो न्यूक्लियस हैं ये सिग्मा वनस मोलिकलोर ऑर्बिटल है इसमें ये दो न्यूक्लियस हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस और इस दोनों न्यूक्लियस के बीच में बराबर शेयर होगी इन दोनों न्यूक्लियस के साथ जुड़ी हुई होगी सिमिलरली, अगर हम देखें कि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कम्बाइन कर रहे हैं तो उनसे तीन मोलिकल ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जिनमें से एक क्या होगा बॉन्डिंग होगा वो जो एक बॉन्डिंग होगा उसकी शेप बनेगी इस तरह से जिसमें हमारे पास तीन न्यूक्लियस होंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इन सब न्यूक्लियाई के साथ जुड़े हुए होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मोलक्लो ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक इन नेचर यानी कि उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो सारे न्यूक्लिया के साथ एसोसिएटेड यानी कि जुड़े हुए होते हैं नाउ टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था बॉन्डिंग मॉलकोलो ऑर्बिटल कैसे बनता है इन्फेस कॉम्बिनेशन से इन्फेस कॉम्बिनेशन क्या होता है जब एक वेव फंक्शन का ये पॉजिटिव पार्ट दूसरे वेव फंक्शन के पॉजिटिव पार्ट से कंबाइन करता है जब इस वेव फंक्शन का नेगेटिव पार्ट इस वेव फंक्शन के नेगेटिव पार्ट से कंबाइन करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं इन्फेस ओवरलैप तो इन्फेज ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिकलो ऑर्बिटल को शो करने के लिए हम जाय प्लस का साइन यूज कर सकते हैं या फिर आप एम ओ भी, भी लिख सकते हो अगर इस वेव का पॉजिटिव पार्ट इस वेव के नेगेटिव पार्ट से इंट्रैक्ट कर रहा है यानी कि इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से ओवरलैप कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग इस केस में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है वेरस इस केस में क्या होता है जो रिजल्टेंट बेस्ट फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल यानी कि जो वे फंक्शन को एड करने से बने वो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो वे फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करने से बने वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं जैसा कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था आप ये देखोगे ये तीन हैं यहाँ पे आप इन तीनों को देख सकते हो लेकिन जब ये मॉइक्लो ऑर्बिटल बन जाएंगे तो आप इंडिविजुअल नहीं देख सकते तो इसीलिए ऑर्बिटल्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं नेक्स्ट रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स हम जब भी फिल करेंगे हम तीन रूल्स के अकॉर्डिंग फिल करेंगे मल्टीप्लिसिटी और चौथा हमें यह ध्यान रखना होता है कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम हमेशा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में ही भरेंगे जब तक लोअर एनर्जी लेवल पूरी तरह से फिल नहीं हो जाएगा तब तक हम नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करेंगे देन पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम एड्रेस नहीं हो सकता यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते और इसको अगर हम और रिफाइन करें या और तरीके से बोलें तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए अपोजिट होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्बिटल है इसमें मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं तो इनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए अपोजिट होनी चाहिए अगर आपने एक ऑर्बिटल में दोनों सेम स्पिन से भर दिए हैं देन दिस इज रॉन्ग रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये रूल क्या कहता है कि जब आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे सेम एनर्जी जैसे सपोज पी एक्स पी वाई और पीज के, के केस में होता है कि जब आपके पास सेम एनर्जी है तो आप पहले इन सबको सिंगली फिल करोगे जब ये सिंगली फिल हो जाएंगे तभी इनमें हम पेयरिंग शुरू करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एमओटी थ्योरी में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो हमें इस रूल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ठीक है तो हमारे पास जब आएंगे कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे पाई टू पी एक्स इक्वल्स टू पाई टू पी वाई आएगा हमारे पास तो उस केस में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें पहले इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करना है उसके बाद में हमें इनकी पेयरिंग करनी है नेक्स्ट पॉस्टुलेट है कि अगर हमें किसी भी केमिकल बॉन्ड की स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ बतानी है तो वो हम बताएंगे थ्रू बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए एन बी क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एन ए क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल अगर ये बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल है और एग्जिस्ट करेगा लेकिन अगर ये बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या जीरो आ गया तो यानी कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल है और एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है लेकिन बॉन्ड लेंथ पे वो इनवर्सली डिपेंड करता है फॉर एक्जाम्पल अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है वन अगर डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है टू अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है थ्री तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड की स्टेबिलिटी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी यानी कि बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा यानी कि आपको उतनी ही ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी टू ब्रेक द बॉन्ड वेयर एज अगर हम बॉन्ड लेंथ को देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड कितनी होती है मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ कम हो रही है और इसीलिए यहां पे हमने रिलेशन लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ लास्ट पॉस्टूलेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी इज प्रिडिक्टिंग मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक बिहेवियर से क्या मतलब है कि या तो मॉलिक्यूल मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेट को रिपेल करेगा अगर मॉलिक्यूल मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होते हैं अगर मॉलिक्यूल मैग्नेट को रिपेल करता है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स डाई होते हैं अब ये हमें मॉलिक्यूल का कॉन्फिग्रेशन देख के कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल पैरामैगनेटिक है या डायमैग्नेटिक। अगर मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा लेकिन अगर मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा तो जस्ट बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूलर कॉन्फिग्रेशन वी कैन प्रोडिक्ट कि मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा